যান্ত্রিকভাবে অপতৃণ ব্যবস্থাপনা ধান খেতির প্রধান শত্রুসমূহৰ ভিতৰত অপতৃণ বা বনবাত অন্যতম। শস্যৰ লগত অপতৃণসমূহৰ প্ৰধানকৈ পৰিপুষ্টি, পানী আৰু সূৰ্যৰ পোহৰৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা হয়, যাৰ ফলত ধান খেতিৰ উৎপাদন আৰু গুণগত মান হ্ৰাস পায়। অপতৃণৰ বাবে শস্যৰ উৎপাদন 60-70% বা ততোধিক পৰিমাণত হ্ৰাস হ'ব পাৰে। যিকোনো পৰিৱেশৰ লগত অপতৃণবোৰে সহজে খাপ খুৱাই ল'ব পৰা ক্ষমতাৰ বাবে অপতৃণৰ বীজ সোনকালে গজে, লহপহকৈ বাঢ়ে আৰু শস্যতকৈ আগতেই ফুল ধৰে। বংশ বিস্তাৰৰ পদ্ধতিও যথেষ্ট প্ৰখৰ আৰু শক্তিশালী। যথোপযুক্ত আৰু সময়োচিত অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা ধান খেতিৰ বাবে অপৰিহাৰ্য। বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। এনে পদ্ধতিসমূহ হ'ল পৰিচৰ্যা পদ্ধতি, যান্ত্ৰিক পদ্ধতি, ৰাসায়নিক পদ্ধতি, জৈৱিক পদ্ধতি। যান্ত্ৰিক পদ্ধতিত সাধাৰণতে নিৰণি যন্ত্ৰ বা উইডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। যান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে নিৰণি কৰাৰ সুবিধাসমূহ হ'ল ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োগ নহয়, যাৰ বাবে পৰিৱেশৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰে। শ্ৰমিকৰ প্ৰয়োজনীয়তা কম আৰু হাতেৰে নিৰণি কৰাতকৈ ব্যয় যথেষ্ট কম। হাতেৰে নিৰণি কৰাতকৈ কষ্ট যথেষ্ট কম হয়। वीडिंग अर्थात बन निकालना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है अगर हम धान की खेती की बात करें, जिसमें ज़्यादातर नुकसान क्रॉप को होता है, क्योंकि वीड और क्रॉप एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं खाद को लेने के लिए। तो इसीलिए अगर हम असम हो या कहीं पे भी हम बात करें, तो वीडिंग के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होता है, जो कि कष्टदायक काम भी होता है। और अगर हम बात करें एक बीघा में कम से कम 50-5 लेबर लगता है, और पर लेबर 350 रुपये का चार्ज करता है पर दिन का। तो इसी में लोगों को एक तो नुकसान होता है, क्रॉप लॉस भी होता है और ख़र्चा ज़्यादा होता है। इस चीज़ को लेके अपार्ट प्रोजेक्ट में हमने एक अप्रोच इनिशिएट किए हैं, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इस इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में मैकेनिकल वीडिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, 25 दिन के अंदर में एक मैकेनिकल वीडिंग करते हैं, जिसमें हम पावर वीडर की यूज करते हैं। वो पावर वीडर जनरली पेट्रोल इंजन से चलता है, और हमको उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, धान को सीधा धाड़ी से लगाना पड़ेगा, जिसमें रो टू रो स्पेसिंग 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि पावर वीडर आपका आराम से उस मशीन के उस दोनों लाइन के बीच में चल पाए। और उसमें क्या होता है कि जनरली हमारा खर्चा कम हो जाता है। अगर हम अंदाज से बात करें तो 200 से 250 रुपये पर बीघा में हम एक बीघा को हम लोग ये कर सकते हैं, बन निकालने का काम कर सकते हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का समय लगता है। तो इसी में लोगों का कम समय में और कम खर्चे में वीडिंग का काम हो जाएगा। ये हमारा पावर वीडर है, पावर वीडर का ये है मेन बॉडी पार्ट होता है, ये इंजन है। इंजन जनरली ये 1.5 PSI इंजन होता है, जिसमें आपको पेट्रोल के साथ क्योंकि ऑयल को मिक्स करना पड़ता है, जनरली रेशियो कहते हैं 1 पेट्रोल के साथ 40 ML का क्योंकि ऑयल मिक्स करना पड़ेगा। ये इंजन को हम अगर देखेंगे, इंजन का ये पार्ट को हम खींचने से इसका इंजन स्टार्ट होता है। कभी कभी फ्यूल का फ्लो ना होने के कारण बंद हो जाता है, जिसके कारण हम ये बटन को दबाने से फ्यूल फ्लो का ठीक से मेंटेन किया जाता है। और चोक सिस्टम भी है, तो चोक सिस्टम से हम लोग इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हैंडल है, जिसको जनरली हमको मशीन चलाने के टाइम पकड़ना पड़ता है। यहाँ पर स्टार्ट ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे हमको अभी ऑन करना पड़ता है, तो ये स्टार्ट करने से पहले, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। और ये आपका एक्सेलरेटर बटन है, जो कि इसका पावर अगर पावर को देने के लिए ये आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन इसको ज़्यादा प्रोटेक्ट रखने के लिए एक स्विच लॉक सिस्टम दिया गया है। जब तक ये लॉक सिस्टम को नहीं दबा रही है, एक्सेलरेटर बटन को हम नहीं दबा सकते, इसीलिए इसको हमको ध्यान देखना पड़ेगा कि हमेशा ये दब के फिर उसके बाद हमको एक्सेलरेटर बटन को दबाना पड़ेगा। और ये सिस्टम दिया गया है, जिसको हम कंधे में बांध के फील्ड में चलाने के लिए आपको फायदा मंद होगा। ये मेनली वीडिंग व्हील है। यहाँ पे अगर आप सिस्टम देखेंगे,
प्लेट, उसके बाद दांती सिस्टम है। इसमें ये क्या करता है, ये जो सिस्टम है दांती सिस्टम है, ये जब खेत में चलता है, चलने के टाइम में आपका मिट्टी का जो घास जो है उसको निकालेगा, फिर ये पार्ट जो है घास को मिट्टी के साथ फिर से ब्लेंड करके मिक्स करने का काम करेगा, ताकि मिट्टी हमारा एक थोड़ा सा हल्का पडलिंग टाइप का हो जाएगा और मिट्टी हल्का हो जाएगा, एरेशन के लिए वो अच्छा होता है। देखेंगे आप, यहाँ देखिए स्पेयर पार्ट लगा हुआ है, जो इंजन का पावर इस रॉड के थ्रू में हम पावर वेल्डर का जो व्हील सिस्टम को हम लोग चला सकते हैं। ये उसका हेड है, इसमें हमारा इस पोर्शन में आपका गियर पूरा लगा हुआ है, तो गियर में हम लोग अगर वहाँ पे इंजन से तो चलता है, इंजन का पावर को यहाँ पे ट्रांसमिट करके वेल्डर का व्हील को चलाते हैं, ये ऐसे यहाँ पे लॉक होता है। लॉक करने के बाद हमको इसको टाइट करना पड़ेगा, ये टाइट हो गया। उसके बाद ये व्हील को हमको लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा ये हमेशा अंदर की तरफ लॉक होगा, ये बाहर की तरफ। यहाँ पे देखेंगे एक लॉक सिस्टम है,